हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ दो चीजों से बना हुआ है, मैटर और एनर्जी। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे एनर्जी पर। एनर्जी के तरह तरह के फॉर्म होते हैं और ये हमारे चारों ओर हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेमो दिखाऊंगा और आपको बताना है कि आपको कौन से एनर्जी के फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं। और हम वीडियो को एंड करेंगे टॉपिक के टॉप 3 क्वेश्चंस के साथ। कहीं ना कहीं आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के नाम सुने होंगे, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। इस वीडियो में हम एक एक करके ये इंपॉर्टेंट एनर्जी फॉर्म्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसके लिए मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स दिखाता हूं। जब ये हैमर टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन जब मैं इस हैमर को उठाता हूं और एक हाइट तक ले जाता हूं, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। इस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हैमर के अंदर वर्क करने की कैपेसिटी आ जाती है। इस हैमर से मैं नेल को लकड़ी के अंदर मार सकता हूं। तो हैमर को एनर्जी कहां से मिली? उसके हाइट यानी पोजीशन के कारण। और इस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलिए मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक और एग्जांपल दिखाता हूं, लेकिन इस एग्जांपल में हाइट इन्वॉल्व नहीं है, कोई और कारण है। उसके लिए हम इस स्प्रिंग को यूज करेंगे। जब हम ब्लॉक को स्प्रिंग से कंप्रेस करते हैं, और अब अगर मैं ब्लॉक को छोड़ू तो क्या होगा? ये स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर वर्क करता है, क्योंकि यहां पर एक फोर्स अप्लाई हुआ है और यहां एक डिस्प्लेसमेंट है। तो ये स्प्रिंग वर्क कर रहा है। स्प्रिंग की एनर्जी कहां से आती है? स्प्रिंग के कंप्रेस्ड कॉन्फ़िगरेशन से। चलिए पोटेंशियल एनर्जी को हमारे कॉन्सेप्ट बोर्ड पर लिखते हैं। तो याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी फॉर्म है जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। एक स्टेशनरी बॉल और एक मूविंग बॉल में क्या अंतर है? यहां ऑब्जेक्ट यानी कि बॉल सेम है, लेकिन जब हम बॉल को फेंकते हैं, बॉल में एक मोशन है। तो बॉल के अंदर एक एनर्जी होती है। इस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब कोई भी चीज मूव करती है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जब आप चलते हैं या भागते हैं, आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। चलती हुई गाड़ी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। आपको क्या लगता है, एक उड़ती हुई पक्षी में कौन सी एनर्जी है? क्योंकि पक्षी उड़ रही है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन पक्षी एक ऊंचाई पर उड़ रही है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करें, तो इस सम को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिए, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कॉन्सेप्ट बोर्ड पर डाल देते हैं। जब बॉडी मोशन में है, उसकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यहां मेरे पास दो पानी के ग्लास हैं। इस ग्लास में ठंडा पानी है और इस ग्लास में गर्म पानी है। आउच! यहां पर हमारा मैटर सेम है, पानी। तो फिर अंतर क्या है? एनर्जी का फर्क है। इस ग्लास में ज्यादा हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी के और क्या एग्जांपल्स होते हैं?
जब आप किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी निकलती है। फ्यूल्स के एग्जांपल्स हैं कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल। जब आप इन्हें जलाते हैं हीट एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बर्निंग रिलीजेस हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यूजुअली कैलोरीज में मेजर की जाती है। क्या आप जानते हैं एक कैलोरी कितनी एनर्जी होती है? वन कैलोरी की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 ग्राम पानी, सिर्फ 1 ग्राम पानी लें और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाएं, तो आपको कितनी हीट एनर्जी चाहिए? 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी। क्या कैलोरी एसआई यूनिट है? नहीं, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल्स है, और इसका कन्वर्जन है 1 कैलोरी इज अप्रॉक्सिमेटली 4.2 जूल्स। अब हीट एनर्जी को कॉन्सेप्ट बोर्ड पर लिखते हैं। एक बॉडी जितनी ज्यादा गर्म होगी उसकी हीट एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी एक सब्सटेंस में स्टोर होती है, और जब केमिकल रिएक्शन होता है तब यह एनर्जी निकलती है, केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। केमिकल एनर्जी के क्या एग्जांपल्स हैं? एग्जांपल्स हैं फ्यूल्स, कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी जैसे फ्यूल्स। जैसे कि आप जानते हैं बर्निंग एक केमिकल रिएक्शन है, तो जब ये फ्यूल्स जलते हैं, जब ये फ्यूल्स बर्न होते हैं, तो इनके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो रिलीज होती है, हीट और लाइट एनर्जी के फॉर्म्स में निकलती है। अब बात करते हैं फूड की, खाने की। खाना सुनकर आपको भूख तो नहीं लग गई? हम खाना क्यों खाते हैं? जिससे हमें एनर्जी मिले। बट खाने में कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आपको क्या लगता है? खाना हमारे बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह है, वो हमें एनर्जी देता है, तो खाना भी केमिकल एनर्जी है। आपको शायद सुन के अजीब लग रहा होगा कि हम केमिकल्स खाते हैं, बट साइंस के अनुसार खाना भी एक केमिकल ही है। खाने की एनर्जी हम कैलोरीज में मेजर करते हैं, लेकिन यहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। जैसे कि हमने पहले देखा, हीट की एनर्जी कैलोरीज में मेजर होती है और खाने की एनर्जी भी कैलोरीज में मेजर होती है, बट अगर आप ध्यान से देखें हीट की एनर्जी का कैलोरीज हम छोटे सी से शुरू करते हैं, और फूड कैलोरीज हम एक कैपिटल सी से शुरू करते हैं। ये दोनों सेम नहीं हैं। हीट की कैलोरी एक बहुत छोटा यूनिट है। जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर आप सिर्फ 1 ग्राम पानी लें और उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करना चाहें, तो आपको कितनी हीट एनर्जी चाहिए? 1 कैलोरी। ये हीट का कैलोरी है। लेकिन फूड कैलोरी बड़ा यूनिट है। 1 फूड कैलोरी इक्वल्स 1000 हीट कैलोरीज। इसलिए फूड कैलोरी को ज्यादातर किलो कैलोरी या के कैल से लिखा जाता है। मैं आपको फूड कैलोरीज का एक एग्जांपल दिखाता हूं। क्या आपको पता है कि ये पैकेट जूस पीने से आपको कितनी एनर्जी मिलती है? ये आप खुद चेक कर सकते हैं। जूस के पैकेट पे लिखे हुए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को देखिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इस 200 ml जूस के पैकेट में 50 के कैल ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब इस जूस के पैकेट में 50 किलो कैलोरीज यानी 50 फूड कैलोरीज एनर्जी है। क्या आप जानते हैं एक केले में कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी है? एक केले में करीब 100 कैलोरीज ऑफ केमिकल एनर्जी होती है, और एक दूध के कप में 150 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती है, और एक कप चावल में 200 कैलोरीज। क्या आप जानते हैं कि एक टीनेजर यानी 15 साल के उम्र के बच्चे को एक दिन में
कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी चाहिए? एक दिन में करीब 2000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। केमिकल एनर्जी को कॉन्सेप्ट बोर्ड पर डाल देते हैं। केमिकल एनर्जी फ्यूल और फूड में होती है। लाइट एनर्जी हमें कहां से मिलती है? सन, बल्ब्स, एलईडी लाइट्स, कैंडल से। लाइट एनर्जी के द्वारा हम अपने चारों ओर सब कुछ देख सकते हैं। अगर यहां लाइट एनर्जी नहीं होती तो हमारा डिस्कशन कुछ ऐसे दिखता, एकदम अंधेरा। लेकिन हम ये नहीं चाहते, तो चलिए लाइट्स को ऑन करते हैं। लाइट एनर्जी को हमारे कॉन्सेप्ट बोर्ड पर लिखते हैं। लाइट एनर्जी हमें देखने में मदद करती है। ये वीडियो आपको किस एनर्जी के द्वारा सुनाई दे रहा है? दैट्स राइट, साउंड एनर्जी। जब हम बात करते हैं तो हम साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर से भी साउंड एनर्जी निकलती है। जब म्यूजिक जोर से बज रहा है और आप अपना हाथ स्पीकर्स पर रखते हैं तो आप वाइब्रेशंस को इजीली फील कर सकते हैं। या जब आप बात कर रहे हो तो आप अपना हाथ गले पे रखिए और आप वाइब्रेशंस को फील कर पाएंगे। साउंड एनर्जी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। अगर यहां कोई साउंड एनर्जी नहीं होती तो हमारा डिस्कशन कुछ ऐसे होता, तो साउंड एनर्जी को वापस लाते हैं और अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। साउंड एनर्जी को कॉन्सेप्ट बोर्ड पर लिखते हैं। साउंड एनर्जी के द्वारा हम सुन सकते हैं। आजकल हमारी जिंदगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। लाइट्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कंप्यूटर, फोन, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर स्टेशन से हमारे घरों तक ये लंबी लंबी इलेक्ट्रिकल केबल्स के द्वारा आती है। महीने के अंत में जब हमें इलेक्ट्रिक बिल मिलता है, क्या आपको पता है आप किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं? आपने उस महीने में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की है, उसके आप पैसे दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करने के लिए और एनर्जी बचाने के लिए याद रखें, जब आप लाइट्स और फैंस नहीं यूज कर रहे हैं तो उन्हें जरूर ऑफ करें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कॉन्सेप्ट बोर्ड पर डाल देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें एक बैटरी या फिर हमारे घर के मेन से मिलती है। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहां पर कुछ चीजें करने वाला हूं और आपको साइंस डिटेक्टिव बनना है। आपको आइडेंटिफाई करना है यहां पर कौन सी एनर्जी फॉर्म्स हैं। पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने इस वीडियो में अब तक कौन सी एनर्जी फॉर्म्स सीखी हैं। तो क्या आप तैयार हैं डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स आइडेंटिफाई करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए फिर से एक बार वीडियो को रीप्ले करता हूं। ध्यान से देखिएगा डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स के लिए। तो डिटेक्टिव, आपको कितनी एनर्जी फॉर्म्स मिली? चलिए वीडियो को एक बार एनालाइज करते हैं। मैं इस लैंप को ऑन कर रहा हूं। लैंप को कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है? करेक्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब लैंप ऑन है, बल्ब कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी दे रहा है? लाइट और हीट एनर्जी। जब इस बॉल को उठाता हूं, बॉल की एक हाइट है, बॉल में पोटेंशियल एनर्जी है। जब बॉल गिरती है, बॉल स्पीड पकड़ लेती है, बॉल में काइनेटिक एनर्जी है।
जब बॉल बाउंस करके एक हाइट तक आती है, बॉल में पोटेंशियल एनर्जी है। बॉल जब बीच में होती है तब बॉल एक हाइट पर है और बॉल की स्पीड भी है, तो बॉल में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दें तो ये बॉल की मैकेनिकल एनर्जी है। क्या आपको बॉल की बाउंसिंग सुनाई दे रही है? ये साउंड एनर्जी है। मैं जूस को पी रहा हूं, जूस या फूड में केमिकल एनर्जी है। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स इन सिंपल चीजों में हैं जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। हमने इस वीडियो में तरह तरह के एनर्जी फॉर्म्स डिस्कस किए हैं और ये सारे एनर्जी फॉर्म्स इस क्वेश्चन में प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हमने तरह तरह के एनर्जी फॉर्म्स देखे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं इस टॉपिक के टॉप 3 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो आप ये टॉप 3 क्वेश्चंस जरूर ट्राई कीजिए। आप अपने आंसर्स और डाउट्स कमेंट्स में लिखिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि जितना जल्दी हो सके मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। अब मैं यहां से हट जाता हूं और आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, अब आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पता है, तो आप अपने जिंदगी में देखिए कि आपको कौन कौन से एनर्जी के फॉर्म्स दिखाई देते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मिलेंगे, क्योंकि एनर्जी हमारे चारों ओर है। एनर्जी इज प्रेजेंट एवरीवेयर। और आप इस वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन अभी दबाएं और आप फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। आप मेरे वेबसाइट manochaacademy.com को जरूर चेक कीजिए। अब मुझे टायर्ड लग रहा है और मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं खाना खाने जाता हूं। केमिकल एनर्जी खाने जाता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।